एनआरसी और सीएए के विरोध में बीते शुक्रवार यानी 20 दिसंबर को हजारों प्रदर्शनकारियों ने बड़ा जुलूस निकालकर जनपद बहराइच में जमकर उपद्रव मचाया था। उपद्रवियों को कंट्रोल में करने के लिए मजबूरन पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी थी। यही नहीं, सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट की सेवाओं को भी बंद करना पड़ा था। कल फिर जुम्मे की नमाज होनी है, इसको लेकर बहराइच में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। मंडल के कमिश्नर और डीआईजी ने भी जनपद बहराइच का दौरा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। लोगों को जागरूक करने को लेकर डीएम और एसपी ने पर्चे भी बांटे हैं। पुलिस प्रशासन क्या दिया है? प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो तैयारी हमेशा रहती हैं और रहेंगी भी, लेकिन इसकी आवश्यकता न पड़े इसलिए हम लोग यहाँ के जो संभ्रांत लोग जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को भरोसा दिलाने आए हैं और उनसे भरोसा लेने आए हैं कि कल यहाँ पर जब हम लोग कल के बाद यहाँ आए तो ये लगे कि ऐसा है कुछ था ही नहीं और न कभी ऐसा कुछ हुआ है न होगा। ये अमन का शहर है तो इसलिए हम लोग जो है इनको इनसे मिलने आए थे। जब भी हमारे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक करते रहते हैं, आज हम लोग अपने चारों मंडलों के सभी जनपदों में जा रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं तो ये भरोसा दिलाने के लिए, और हमें पूरा भरोसा है, इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग निश्चित रूप से कल हम लोग को यहाँ आना नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शंभू कुमार और एसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि शहर में व्यवस्थाओं को पहले से अधिक साफ संबंध बनाया गया है। सुरक्षा को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसके बावजूद अगर कोई अराजक तत्व कहीं अराजकता फैलाता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, जिस दिन से ये घटना हुई है उसके बाद जो भी मुकदमे लिखे गए हैं वो घटनाओं से संबंधित लिखे गए हैं, एविडेंस बेस्ड उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है और आज पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारा मंशा कहीं भी किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई करने की नहीं है। जिन लोगों के बारे में प्रॉपर और कॉन्क्रीट एविडेंस आएगा कि उनके द्वारा अराजकता फैलाई गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया है, पत्थरबाजी की गई है, जिसमें उनकी वीडियो फुटेज आएगी, फोटो आएगी और उनकी सक्रिय भूमिका देखी जाएगी, केवल उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई होगी। किसी भी अगर व्यक्ति को ये लगता है कि वो या उसका कोई भी परिजन या जानने वाला अगर निर्दोष है और फिर भी पुलिस द्वारा उनके परेशान किया जा रहा है, तत्काल हमसे या हमारे सीओ सिटी साहब से संपर्क करें। ये निर्णय जो है वो सीओ सिटी साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसी के द्वारा लिया जाएगा। किसी भी निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसके लिए मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ। कल जुमा है तो हमें हर तरह से प्रयास ये करना है कि हमारा सब शांतिपूर्ण गुजर जाए। अमन चैन के लिए, सौहार्द के लिए, भाईचारे के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। इसमें मुस्लिम समाज के मौजूद लोगों ने भाग लिया है, लोग आए हैं और उन्होंने इत्मीनान दिया है हम सब लोगों को कि किसी तरह की कोई बात नहीं होगी कल और सब अमन चैन से गुजरेगा हमारा जो भी जुमे की नमाज का पर्व है। और हम लोग इनके दिए हुए इत्मीनान पर मुतमईन हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आश्वस्त होकर के यहाँ से जा रहे हैं।